आज जिला कलेक्टर भरत यादव ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए बहुत सी जानकारियां साझा की। आज जिला कलेक्टर भरत यादव ने दोपहिया वाहन व चार पहिया वाहन व अन्य कौन कौन से क्षेत्रों में छूट मिली है इसके बारे में चर्चा की और कौन कौन से नए नियम लागू किए जाएंगे उसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी। साथ ही शहरवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग सहित लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। जो 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ गया है उसके लिए विस्तृत आदेश कल शाम को जारी हुआ है। उसमें बहुत सारे मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स पे कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। एक तो उसमें स्पष्ट है पहले ही से गृह विभाग के निर्देशों में कि जो 65 साल के वरिष्ठ लोग हैं, 65 साल या अधिक, 10 साल तक के बच्चे और जो गर्भवती जो महिलाएं हैं, इनको केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलना अलाउ है। तो ये इसका पालन हो मैं सबसे आग्रह भी करता हूँ इसके लिए। इसी तरह से कि 2-व्हीलर या 4-व्हीलर सबको अलाउ नहीं है, वो हम संशोधित भी जारी कर रहे हैं। 2-व्हीलर और 4-व्हीलर उनको अलाउ है जो अनुमति जिनको है, जैसे शासकीय सेवक जो ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना में, शासकीय कार्यालय क्योंकि आज से खुले हैं, या मीडिया के साथी हैं, या सामाजिक संगठन जिनको पास मिला हुआ है, या डॉक्टर्स हैं, मेडिकल का स्टाफ है, जो प्राइवेट ऑफिस खुल रहे हैं 33% क्षमता के साथ, तो जो अनुमत लोग हैं जिनको अनुमति है उनको 4-व्हीलर से वो जा सकते हैं। तो 4-व्हीलर में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोग और 2-व्हीलर में 1 व्यक्ति। तो अभी सुबह काफ़ी लोग निकले, उसके बाद कार्रवाई हमने शुरू की है, बहुत सारे लोगों के वाहन जब्त हुए हैं, बहुत सारे लोगों पर जुर्माना लगा है। तो मेरा आग्रह है कि वो नियम स्पष्ट है, निर्देश स्पष्ट है, उसको और कोई अनुमति नहीं दी गई है कि आप वाहन लेके बाहर निकलिए। दुकानें भी जो खुल रही थी, ग्रोसरी की, मेडिकल स्टोर पे कोई रोक नहीं है, ग्रोसरी, दूध या जो आपका पीडीएस की दुकान है, उनका टाइमिंग जो केंद्रीय गृह विभाग के निर्देश है कि सुबह 7 से शाम के 7 के बीच होना चाहिए, तो हमने थोड़ा टाइमिंग बढ़ाया है। बाकी कोई स्पेशल अनुमति नहीं दी है। जो सर्विसेज हैं उनकी होम सर्विस करने की अनुमति दी है। मोबाइल रिपेयर की दुकान खुलेगी, उनका व्यक्ति जाएगा, मोबाइल लेके आएगा, सुधार के फिर वहाँ पहुँचाएगा, मोबाइल रिचार्ज वहीं से करेगा, दुकान से ही करेगा, व्यक्ति को आने की भी जरूरत नहीं। कूलर की दुकान, पंखा की दुकान, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब दुकान खुलेंगी क्योंकि इनके जो टेक्नीशियन हैं, इनके जो लोग हैं, वो जाके घर में सेवाएं देंगे। बाकी और कोई दुकान खुलने का अलग से अलाउ किया नहीं गया है। जो पहले से खुल रही थी उनका बस टाइम बढ़ा है, जो एसेंशियल कॉमोडिटी की है। तो मेरा आग्रह है कि हमारे खासतौर पर जबलपुर शहर में, महानगर सीमा में कोई भी रिलैक्सेशन उस तरह का नहीं है। जिनके घर के काम चल रहे थे और वहीं लेबर है तो उनको काम कार्य करने की अनुमति दी गई है, उसकी अलग से कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को अगर डाउट है कि हमें अनुमति है कि नहीं, तो वो फिर अप्लाई करें। उसके लिए हमारे अलग अलग अधिकारी नोडल हैं, ADM संदीप जी आर इसके नोडल हैं। कोई भी अनुमति आपको मांगना है तो वहाँ अनुमति ली जाए। IT पार्क 33% क्षमता के साथ खुला है, प्राइवेट ऑफिस खुले हैं, कहीं कमी लोग हैं तो अगर 5 ही लोग हैं तो 5 लोग तक तो बिना सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी है, मास्क लगा के 5 लोग अगर किसी निजी कार्यालय में है तो वो तो आ सकते हैं। 5 से ज्यादा है तो फिर वो 33% वाली सीमा होना चाहिए। 5 से